पाल गांव खंडोबा मंदिर के लिए जाना जाता है, जो भगवान शिव का एक अवतार है। यह सातारा से 28 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। खंडोबा मंदिर तारली नदी के तट पर स्थित है। मंदिर का निर्माण लगभग 500 साल पहले किया गया था। भगवान खंडोबा और मालसा देवी के विवाह का एक भव्य मेला प्रतिवर्ष पौष जो कि दिसंबर जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है, जिसे हजारों भक्तों द्वारा देखा जाता है। गर्भगृह में दो पीतल के मुखौटे हैं, जो भगवान खंडोबा और उनकी पत्नी मालसाबाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर के ऊपर का शिखर लगभग 50 फीट लंबा है। सभी मीनारें ईंट से बनी है और पौराणिक डिजाइनों और देवी देवताओं की छवियों से चित्रित है। मंडप के प्रत्येक कोने में एक छोटा शिखर और केंद्र में एक छोटा धनुषाकार शिखर है। मंदिर के ऊपर का शिखर लगभग 50 फीट लंबा है। मंडप के पूर्वी भाग में पीतल से ढकी नंदी की मूर्ति दिखाई देती है। यलकोट यलकोट जय मल्लार का जय घोष सभी भक्तों द्वारा किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना न भूलिए। आज हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं पाली क्षेत्र के श्री खंडोबा, जिसे हम मल्लारी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी हम पुणे बेंगलोर हाईवे पे खड़े हैं। यहाँ से खंडोबा मंदिर लगभग 50 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे अभी 1 घंटा लगेगा। तो चलिए हम हमारा व्लॉग अभी शुरू करते हैं, लेट्स गो। पुणे बेंगलोर हाईवे पे कराड़ से थोड़े आगे आने के बाद यहाँ पे काशिल गांव है। काशिल गांव का एक्चुअली स्टॉप है। यहाँ से पाली देवस्थान 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो 5 किलोमीटर दूरी पर पाल गांव है, वहाँ पे श्री खंडोबा का मंदिर है। तो यहाँ से लगभग 10-15 मिनट में हम पाल में पहुँच जाएंगे। ये सामने दिखता है, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ से मंदिर में हम एंट्री कर सकते हैं। ये प्रवेश द्वार बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर आने के बाद दोनों बाजू में मंदिर में प्रसाद और भंडारा लेने के लिए छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ से खंडोबा का जो मेन मंदिर है उसमें हम एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप खंडोबा का मंदिर देख सकते हो। आज एक्चुअली ऑड डे होने की वजह से यहाँ पे क्राउड थोड़ा कम है। अगर आप संडे का आओगे तो संडे को यहाँ पे बहुत ही क्राउड होता है, यहाँ पे लाइन वगैरह लगती है, वहाँ से लाइन में खड़े होकर हमें मंदिर में जाना पड़ता है। लेकिन आज डायरेक्टली हम मंदिर में जा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी लाइन वगैरह नहीं है। Thank you.
मंदिर में जाने के लिए यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। सामने ही श्री गणेश जी का मंदिर है। हम यहाँ से खंडोबा का दर्शन ले सकते हैं। यलकोट यलकोट जय मल्लार। यहाँ पे बड़ा नंदी है, यहाँ से हम प्रदक्षिणा निकालेंगे। प्रदक्षिणा मार्ग यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से आपको पूरा मंदिर विजिबल होता है। मंदिर के आसपास बहुत से छोटे मोटे मंदिर है। यहाँ पे ज्योतिर्लिंग मंदिर है। ज्योतिर्लिंग मंदिर के बाजू में ही यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ी तलवार यहाँ पे रखी गई है। मंदिर के पीछे यहाँ पे शिवलिंग है। श्री खंडोबा साक्षात महादेव के अवतार है। पूर्ण प्रदर्शन नाही काढत आहे, महादेवाचा अवतार असल्यामुळे पूर्ण प्रदर्शन घालत नाही। खंडोबा महादेव के अवतार है इसलिए यहाँ पे पूरी प्रदक्षिणा नहीं डालते, तो यहाँ से फिर से हमें वापस जाना पड़ेगा। मंदिर के एकदम सामने नंदी देवता का मंदिर, यहाँ पे मंदिर है। भक्त लोग यहाँ पे मंदिर में भंडारा अर्पण करते हैं, इसलिए आप अगर देखोगे मंदिर परिसर में वो सभी जगह आपको पीले कलर का भंडारा ही देखने को मिलेगा। ये कोट ये कोट जय मल्ला। मंदिर से बाहर आने के बाद यहाँ पे तारड़ी नदी है। तारड़ी नदी और मसोबा टेंपल है, वहाँ जाते वक्त हमें दोनों बाजू में यहाँ पे प्रसाद के स्टॉल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से सामने ही कार पार्किंग, बाइक पार्किंग और यहाँ पे तारड़ी नदी है। खंडोबा मंदिर के पीछे ही यहाँ पे मसोबा मंदिर है। खंडोबा के दर्शन लेने के बाद यहाँ पे मसोबा के दर्शन लेके ही हमें वापस जाना पड़ता है। मेरा ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।